In our today's session, we will be looking and we will be understanding one very interesting concept, very interesting topic that is in your 12th syllabus and known as kinetic theory of gases. Okay. So, ये जो है ना, why this particular thing is called as theory? Because जो initially इसके बारे में चीज़ें बताई गई gases के बारे में, तो उसके लिए definite proof नहीं था. तो उन्होंने एक theory propose की, जितने भी साइंटिस्ट थे, फॉर एग्जांपल बॉयल्स है, मैक्सवेल है, देन न्यूटन है, इन लोगों का एक थियोरी था. उस थियोरी को हम बोलते हैं काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस. और ये थियोरी देखो कुछ सिंपल सिंपल चीज़ों को कंसिडर करके बनाया था. तो पहली चीज़ है, मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. ये तो हम लोगों ने सर 7th में भी सुना था, है ना, मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, है ना, कॉल्ड मॉलिक्यूल. सेकेंड, मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन. अब ये रैंडम मोशन क्या होता है? तो मॉलिक्यूल्स के पास एक टाइप का एनर्जी होती है, वी कॉल दैट पर्टिकुलर एनर्जी एज वाइब्रेशनल एनर्जी. तो मॉलिक्यूल हमेशा, भले ही वो सॉलिड के हो, भले ही वो लिक्विड के हो, भले ही गैसेस के हो, वो कंटिन्यूसली वाइब्रेट होते रहते हैं. अभी फर्क ये है कि अगर ये सॉलिड में हो तो वो मूव नहीं होते, सिर्फ अपने लोकेशन पे वाइब्रेट होते हैं, टू एंड फ्रो मोशन करते हैं. लिक्विड में भी, अगर लिक्विड स्टेडी कंडीशन में है तो भी वही करते हैं, टू एंड फ्रो. बट गैसेस में क्या होता है, गैसेस में मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, होते हैं कि नहीं. एंड एज दिस मॉलिक्यूल्स आर सो अवे फ्रॉम ईच अदर, उनके बीच में जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होता है. सो लेट्स से इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में जो भी मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है वो है निग्लिजिबल, तो हम लोग इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, है कि नहीं. तो अगर मैंने दोनों के बीच का मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन निग्लेक्ट किया तो ये मॉलिक्यूल फ्री है, इनको रोकने वाला कोई नहीं है, ये मॉलिक्यूल इधर जा सकता है, ये मॉलिक्यूल इधर जा सकता है, अपनी अपनी मर्जी है भाई. तो ये क्यों हुआ? क्योंकि दोनों के बीच में मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं है. बट ये सॉलिड और लिक्विड में नहीं होता, क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्लोज होते हैं. तो ये मॉलिक्यूल अगर इधर जाना चाहेगा तो ये इसको जाने नहीं देगा, या फिर अगर ये मॉलिक्यूल जाना चाहता है तो ये मॉलिक्यूल इसे जाने नहीं देगा, क्योंकि दोनों के बीच में कैसा होता है, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है. तुम लोगों ने दो फोर्सेस के बारे में सुना ही होगा, कोहेसिव फोर्स, अडहेसिव फोर्स. ज़रूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल्स सेम टाइप के हो तभी उनके बीच में मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है. फॉर एग्जाम्पल ग्लास एंड ग्लास, तो मेरे पास ग्लास ग्लास का मॉलिक्यूल होगा और उनके बीच का जो भी फोर्स होता है मैं उसको बोलता हूँ कोहेसिव फोर्स. ओके, कोहेसिव मतलब क्या? सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में होता है कि नहीं. तो ये भी एक टाइप का मॉलिक्यूलर फोर्स हो गया. और मॉलिक्यूलर फोर्स तभी भी हो सकता है जब एक मॉलिक्यूल ग्लास का हो और दूसरा मॉलिक्यूल हो वाटर का. ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं एडहेसिव फोर्स. बट इन बोथ ऑफ दिस केसेस ये जो फोर्स होता है वो कैसे टाइप का होता है? अट्रैक्टिव टाइप का. तो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं जिनको हम बोलते हैं अडहेसिव एंड कोहेसिव. कोहेसिव मतलब सेम टाइम, अडहेसिव मतलब डिफरेंट टाइप. बट होता ये है कि एज गैस मॉलिक्यूल्स आर एट द डिस्टेंस सो फार अवे फ्रॉम ईच अदर, मतलब ऐसे ऐसे दूर है, तो उनके बीच का जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है वो नेग्लिजिबल होता है. तो समझा? तो कुछ बेसिस थियरी बनी. क्या थियरी बनी? कि गैस इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस मॉलिक्यूल्स आर टाइनी, ये मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में होते हैं, रैंडम मोशन में होने के वजह से चांसेस है ना कि वो एक दूसरे से कोलाइड करें. समझो ये मॉलिक्यूल इधर है, ये दूसरा मॉलिक्यूल इधर है, इधर का मॉलिक्यूल इधर आया, इधर का मॉलिक्यूल इधर आएगा, क्या हो जाएंगे? कोलाइड हो जाएंगे. अब कोलाइड होने के बाद जो होगा क्या होगा? एक दूसरे तरफ जाएगा और दूसरा दूसरी तरफ. बट कोलाइड तो हो रहे हैं, ये जो कंटिन्यूस कोलिजन है ना अपने अपने मॉलिक्यूल्स में वो चलता रहता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, समझो मैंने गैस को एक कंटेनर में सिचुएटेड किया, ये गैस का मॉलिक्यूल है, तो ये कंटेनर के साथ भी कोलाइड होगा ना. तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम लोग केटीजी में इंक्लूड करते हैं. और यही थियरी, यही लॉजिक्स को यूज करके डिफरेंट डिफरेंट लॉ का प्रूफ हो गया, जैसे कि बॉयल्स लॉ. सब जानते हैं बॉयल्स लॉ क्या होता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, है कि नहीं. तो ये था बॉयल्स लॉ. वैसे ही चार्ल्स लॉ होता है, ऐसे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लॉ अपने पास अवेलेबल है. बट ये सारे लॉ का जो बेसिस है वो किसने करके दिया? तो वो करके दिया काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस ने. तो क्यों ना हम लोग इस थियरी को थोड़ा और डिटेल में पढ़े, इसको और अच्छी तरह से समझे. ओके.
तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले वी विल बी स्टार्टिंग विद कंसेप्ट ऑफ एन आइडियल गैस. हाँ मतलब आइडियल गैस मतलब ऐसा गैस जो ये इक्वेशन फॉलो करता है. कौन सा वाला इक्वेशन? केमिस्ट्री में भी तुम लोगों ने पढ़ा है, विच इज पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. यहाँ पे पी होता है प्रेशर, वी होता है वॉल्यूम, एन क्या होता है? एन होता है नंबर ऑफ मोल्स, आर होता है यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट ऑफ गैस, एंड टी होता है टेम्परेचर, बट दैट टेम्परेचर इन केल्विन, है ना? तो केल्विन में इसको याद रखना है. ये जो नंबर ऑफ मोल्स है ना, उसके दो अलग अलग फॉर्मूला है जो हमें सम्स में बहुत हेल्प करने वाले हैं. तो पहला तो फॉर्मूला हम लोगों ने लिख लिया, लेट्स हाईलाइट दिस फॉर्मूला, दैट इज पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. अभी दूसरा फॉर्मूला, एन इज इक्वल टू एन बाय एन ए. ऊपर वाला एन है ना, दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब, या अभी जो भी यूनिट हम लोग कंसिडर करेंगे. एंड देन एन ए इज एवोगैड्रो नंबर. समझ रहे हो ये फॉर्मूला क्या होता है? एन इज इक्वल टू एन बाय एन ए. हो गया एक फॉर्मूला रेडी. अपने पास और फॉर्मूलाज बनने वाले, उसके उसका कोई टेंशन नहीं है. लेट्स चेंज टेक्स्ट टू so we got these formulas, that is PV is equal to NRT, then N is equal to N by NA. Avogadro number का value क्या होता है? So NA का value एक certain fix है, 6.023 into 10 raised to 23, है ना? ये Avogadro number का value तुम लोग को पता है. ये 22.4 liters में लेते हैं ना हम quantity. Number of molecules that are present in 22.4 liters of any gas is what we call as Avogadro number. एक standard, एक set limit scientists लोगों ने decide किया, Avogadro ने decide किया, तो हम लोग वो follow करते हैं. और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर एक लिमिट नहीं लोगे, एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए चेक नहीं करोगे, तो जैसे ही कंडीशन चेंज हो जाता है, मॉलिक्यूल अलग बिहेव करते हैं, तुम उसको कंट्रोल में नहीं कर सकते, और फिर कंफ्यूजन बढ़ता है. वी ट्राई टू मिनिमाइज द कंफ्यूजन, दिस शुड बी अवर गोल. हम लोग को कंफ्यूजन कम करना चाहिए. एनए का वैल्यू क्या मिला? 6.023 इंटू 10 रेस टू 23. वैसे ही एक और कांस्टेंट आता है जो आगे जाके यूज करने वाले हैं हम लोग. उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. ओके, सो लेट्स राइट दैट कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट. This constant is denoted by KB, okay? And इसका value होता है 1.38 into 10 raised to minus 23. Why don't we do one interesting thing? मैं Na and KB को लेता हूँ और उनको multiply करता हूँ. So let's multiply these two things, Na into KB. तो मुझे क्या क्या मिलेगा राइट हैंड साइड पे? 6.023 इंटू 10 रेस टू प्लस 23 इंटू 1.38 इंटू 10 रेस टू माइनस 23. नाउ सी व्हाट हैपेंस. यहाँ पे प्लस 23 है, यहाँ पे माइनस 23 है. व्हाट इज प्लस 23 माइनस 23 एज द बेसिस? सेम आंसर आएगा 0. बट व्हाट इज 10 रेस टू 0? आंसर आएगा 1. तो दैट मीन्स ये जो भी फ्रैक्शन है वो कट हो जाएगा. 10 रेस टू फ्रैक्शन नहीं, जो भी 10 रेस टू की टर्म है वो कट हो जाएगी. तो मुझे क्या मिलेगा? Na dot KB would be only equal to 6.023 into 1.38. Interestingly, जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे फाइनल आंसर मिलता है 8.314. इसको देखा है क्या कभी? 8.314, क्या ये वैल्यू के बारे में सुना है? यस एग्जैक्टली, दिस वैल्यू इज नथिंग बट ऑफ यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट. यहाँ से तुम लोग को एक और फॉर्मूला मिला. क्या फॉर्मूला मिला? If you multiply Na, that is number of Avogadro, with KB, that is Boltzmann constant, you will get R, that is universal gas constant. And we got one important formula.
सॉरी, लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट फॉर्मूला. तो ये एन ए डॉट के बी का एक फॉर्मूला अपने पास रेडी. हो गया. और एक फॉर्मूला मिला था, कौन सा वाला? दिस डजंट लुक गुड, लेट इट बी. तो ये एक फॉर्मूला मिल गया, एन ए डॉट के बी इज इक्वल टू आर. अभी एन का एक और फॉर्मूला अपने पास अवेलेबल है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स का. एंड दैट फॉर्मूला इज नथिंग बट मास अपॉन मोलार मास. अच्छी तरह से याद रखना ये फॉर्मूला, भी बहुत बार हम लोग यूज करने वाले हैं. क्या फॉर्मूला है? एम क्या है? एम इज मास. और एम ओ क्या है? मोलार मास. आई होप तुमको इंट्रोडक्शन समझा है कि आइडियल गैस का कंसेप्ट क्या होता है. रियल गैसेस के लिए ऑन द अदर हैंड वी डोंट यूज दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, दैट इज पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. इंस्टेड दैट वी गो फॉर वन इक्वेशन नोन एज वैन डर वाल्स इक्वेशन. ओके, जो आपको केमिस्ट्री में कवर किया जाएगा. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. अभी जैसे मैंने बोला था कि हम लोग केटीजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो केटीजी में बहुत सारी चीज़ें नई नई बताई गई या फिर एजम्पशंस क्रिएट किए गए. तो ये जो अभी टॉपिक मैं सिखाने वाला हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस. तो तुम लोग को अभी एजम्पशंस देखने हैं. इस एजम्पशन को दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं. फर्स्ट कैटेगरी इज व्हाट वी कॉल एज नेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल. अभी जैसे देखो, नेचर बोला है, बट एक्चुअल में इसमें होता क्या है पता है? कि मॉलिक्यूल दिखता कैसे है, मॉलिक्यूल है कैसे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. मतलब मॉलिक्यूल का पूरा देखने का क्राइटेरिया, ना कि वो कैसे बिहेव करता है, पूरा का पूरा देखने के ऊपर फोकस करता है. अभी यही विजुअलाइज करता है, इमेजिन इट दिस वे कि एक लड़का एक लड़की को देखने जाता है. ओके, तो जैसे वो मुंह दिखाई का कार्यक्रम वगैरह होता है ना, पैसे टाइप में. तो अभी लड़का लड़की को देख रहा है, तो पहले वो चीज़ें क्या देखेगा? उसका फेस देखेगा कि क्या लड़की दिखने में सुंदर है, गोरी है, क्या है कि नहीं. तो ये सारी चीज़ें कंसिडर होती है नेचर में. मतलब हम लोग बोलते हैं नेचर मतलब स्वभाव, बट यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल के लिए नेचर मतलब क्या है? गैस मॉलिक्यूल दिखता कैसे है, गैस मॉलिक्यूल है कैसे, उसका शेप क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग कंसिडर करते हैं. फिर जो सेकंड क्राइटेरिया हम लोग देखेंगे, उसमें देखेंगे रैंडम मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल. मतलब गैस मॉलिक्यूल बिहेव कैसे करता है. जैसे लड़का लड़की को पूछता है कि क्या तुम खाना बना पाती हो, कि क्या तुम और कुछ एडिशनल हॉबीज़ है तुम्हारी, क्या तुम्हें कंप्यूटर चलाना आता है, क्या तुम्हें इंग्लिश बोलना आता है, ये सारी चीज़ें आ गई बिहेवियर में. वैसे ही सेकंड कैटेगरी में हम लोग देखेंगे रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, जहाँ पे हम लोग गैस मॉलिक्यूल का बिहेवियर देखेंगे. बट लेट्स स्टार्ट विद द नेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल. तो इसमें पहला नेचर होता है, गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. तो क्या बोला मैंने यहाँ पे? गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. इनको हम लोग मॉलिक्यूल की तरह बोलते हैं. ये जैसे मैंने पहले भी बोला कि ये सेवन स्टैंडर्ड्स है, हमें इंट्रोडक्टरी सेवन क्या उससे भी पहले शायद हमें इंट्रोडक्शन करके दिया था साइंस में कि हाँ, हर एक चीज़ बनी है मॉलिक्यूल से. इनफैक्ट मॉलिक्यूल के भी डीप में जाते हैं तो एटम आते हैं, एटम के भी डीप में जाते हैं तो प्रोटॉन आते हैं, प्रोटॉन को भी डीप में जाते हैं तो क्वार्क्स आते हैं, क्वार्क्स के भी डीप में जाते हैं तो एनर्जी आता है. तो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एनर्जी. एट द एंड यहाँ पे हम लोग पहुँचने ही वाले. सेकेंड चीज, द मॉलिक्यूल्स आर रिजिड. देखो, याद है मैंने रोटेशनल मोशन के लेक्चर में तुम लोग को रिजिड करके कंसेप्ट सिखाया है. रिजिड का मतलब ये होता है कि मॉलिक्यूल का शेप एंड साइज बिल्कुल नहीं चेंज होगा, नो मैटर हाउ मच फोर्स यू अप्लाई. समझ रहे हो? तो कितना भी फोर्स लगाओ, इनफाइनाइट अमाउंट का फोर्स लगाओ, मॉलिक्यूल का शेप चेंज नहीं होगा. एंड सेकेंड चीज, मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक स्पीयर्स.
अभी ये परफेक्टली इलास्टिक यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करते, बाद में एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या होता है परफेक्टली इलास्टिक, क्योंकि ये कंसेप्ट कोलिजन में यूज होने वाला है. द मॉलिक्यूल्स आर रिजिड एंड परफेक्टली इलास्टिक स्पीयर्स ऑफ वेरी वेरी स्मॉल डायामीटर. अरे भाई इतने स्मॉल डायामीटर के कि तेरे को दिखते नहीं है, बराबर कि नहीं? नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द थर्ड नेचर. ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर आइडेंटिकल इन शेप साइज एंड मास, है कि नहीं? अभी समझो तुम लोगों ने ऑक्सीजन गैस लिया, तो ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल सबके सब तो सेम ही होंगे ना? कोई होगा क्या कि एक आधा मॉलिक्यूल तुम लोग को डिफरेंट दिखेगा? ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल है वो, एक ही गैस के है. बट अगर तुम लोग दो गैस को कंबाइन कर रहे हो, जैसे कि एयर है जिसमें सब गैसेस आते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, हाँ, सो डेफिनेटली यू विल गेट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इन एयर. सो यहाँ पे आएगा ऑल द मॉलिक्यूल्स. और एक चीज़ तुम लोग को ये नोट कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें अवेलेबल करके दे सकता हूँ तुम्हारे व्हाट्सएप पे या फिर मेल पे, ये नोट्स मिल जाएंगे. लेक्चर के ऊपर फोकस करो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें तुम्हें लिखनी है, जो फॉर्मूलाज नोट डाउन करने हो फॉर्मूलाज नोट डाउन करो, एंड जब मैं सम सॉल्व करूँगा तो सम मेरे साथ सॉल्व करना है वीडियो पॉज करके. सो दीज आर आइडेंटिकल इन शेप साइज एंड मास. नाउ नेक्स्ट, ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा नेचर में आता है. एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल. अभी देखो एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, तो अभी समझो मेरे पास एक रूम है, दिस इज माई रूम, ये रेज हो जाएगा थोड़ी देर बाद, तो क्यों ना मैं रियल वाला रूम बनाऊँ. सो ये रूम है और इसके अंदर एक गैस है. ये गैस के मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से है, कैन यू सी रेड डॉट्स? ये गैस के मॉलिक्यूल, ओके, ये टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल है, बराबर कि नहीं? अगर मैं डिसाइड करूँ तो क्या मैं इसको यहाँ ले आ सकता हूँ, इसको यहाँ पे, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास एक रूम में जो भी गैस था उसके मॉलिक्यूल उठा रहा हूँ और उनको कंबाइन कर रहा हूँ, एक साथ लाने की कोशिश कर रहा हूँ. तो अगर मैं उनको एक साथ लाऊंगा, कैन यू सी व्हाट आई एम डूइंग? देखो देखो देखो, ये रहे मेरे सारे गैस के मॉलिक्यूल. तो फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, एक्चुअल वॉल्यूम, दिस इज एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल. आई होप तुम लोग को ये अच्छी तरह से समझा है, तो क्यों ना हम लोग आगे वही पॉइंट कंटिन्यू करें. सो द पॉइंट गोज लाइक दिस, एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल किट. अभी जब तक मैं लिख रहा हूँ, मैं तुमको एक इजी क्वेश्चन पूछता हूँ. ऐसा कौन सा फील्ड था जहाँ पे न्यूटन अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाए? मतलब हम लोगों ने सुना है कि न्यूटन की आदत थी कि वो हर चीज़ में नाक अपना घुसेड़ी देता था, बट कोई ना कोई ऐसा फील्ड होगा ना जहाँ पे न्यूटन की चली नहीं होगी या फिर न्यूटन कुछ नहीं कर पाया. आई वॉन्ट यू टू सर्च इट एंड देन मैसेज मी द आंसर ऑन व्हाट्सएप. वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस, तो ये हुआ अपना नेचर. मतलब अभी लड़की देखी है ऐसे कि लड़की का वर्ण गोरा है, लड़की 5 फुट 7-6 इंच लंबी है, ये सारी चीज़ें हो गई है. अभी लड़का पूछेगा कि क्या तेरे को खाना बनाना आता है, बनाना आता है तो क्या चिकन बनाना आता है, क्योंकि अगर मैं जाता तो मैं तो ये डेफिनेटली पूछता. तो ये सारी चीज़ें तुम्हें कंसिडर करनी पड़ेंगी, बराबर ना, कि गैसेस के बारे में कि वो बिहेव कैसा करता है. तो अभी देखो क्या होगा, सेकंड ये होगा रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल.
चलो शुरू करते हैं रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। पहला स्टेटमेंट ये है कि द मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। मतलब कैसे होता है कि मॉलिक्यूल के पास एनर्जी होती है तो वो वाइब्रेट होते हैं। अभी उनके पास रोकने वाला दूसरा मॉलिक्यूल है नहीं, है भी तो बहुत दूर डिस्टेंस पे है, तो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या बोला था लेक्चर के स्टार्टिंग में, नेग्लिजिबल होगा। तो मॉलिक्यूल होते हैं रैंडम मोशन में, एंड ये रैंडम मोशन में वो अपने खुद के साथ या फिर दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ या वॉल के साथ कंटिन्यूसली कोलाइड होते रहते हैं। इस पर्टिकुलर स्टेट को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर केओस। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर केओस। तो कैन आई से द मॉलिक्यूल्स आर इन, ऐसे लिखते हैं, मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन डूइंग कोलिजन विथ ईच अदर, डूइंग कोलिजन विथ वॉल एंड अदर मॉलिक्यूल्स और इसको क्या नाम दिया था, इट इज नोन एज मॉलिक्यूलर केओस। अभी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी चीज तुम लोग नोटिस करोगे, देखो क्या होने वाला है। समझो मेरे पास एक गैस का कंटेनर है, मतलब कंटेनर है, और कंटेनर का ये वॉल है। हाँ, इस वॉल के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल आएंगे, कोलाइड होंगे, हो रहे कोलाइड। फिर यहाँ से एक मॉलिक्यूल आया, कोलाइड हुआ। फिर यहाँ से एक मॉलिक्यूल आया, कोलाइड हुआ। ये सारी चीज़ें जब कोलाइड होती है तो क्या इस मॉलिक्यूल के पास मास था, क्या उनके पास वेलोसिटी थी? व्हाट इज मास इनटू वेलोसिटी? वो होता है मोमेंटम। तो एवरी मॉलिक्यूल इज गिविंग सम मोमेंटम टू दिस वॉल, है कि नहीं? तो वॉल क्या रिसीव कर रहा है? वॉल रिसीव कर रहा है मोमेंटम। अभी ध्यान से देखो और विजुअलाइज करो, व्हाट इज दिस पर्टिकुलर मोमेंटम पर यूनिट टाइम, या फिर व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम, इजंट इट फोर्स? तो मुझे क्या मिला? फोर्स। तो ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल इस पर्टिकुलर वॉल पे फोर्स लगा रहा है। अगर यही फोर्स मैंने पूरे एरिया के लिए कंसिडर किया, देन व्हाट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, इजंट इट प्रेशर? तो यहाँ से आपको कंसेप्ट समझेगा कि गैस मॉलिक्यूल कैसे किसी वॉल के ऊपर प्रेशर एग्जिस्ट करता है, या फिर अगर मैं किसी भी कंटेनर में गैस को रखूँ तो वो कैसे प्रेशर बनाएगा। और यही चीज़ समझो कि अगर मैं उस कंटेनर में ज़्यादा गैस भरने की कोशिश कर रहा हूँ तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आएंगे, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आएंगे तो क्या होगा, ज़्यादा कोलिजन्स होंगे, ज़्यादा कोलिजन्स होंगे तो क्या होगा, ज़्यादा मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा, ज़्यादा मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा तो क्या होगा, ज़्यादा फोर्स होगा, ज़्यादा फोर्स होगा तो क्या होगा, ज़्यादा प्रेशर होगा। इसीलिए जब आपके पास एक कंटेनर है और आप उसमें गैस भरते जाते हो तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसमें सफिशिएंट प्रेशर डेवलप हो जाता है। समझ रहे हो ये चीज़? अभी सेकंड पॉइंट देखते हैं। ये जो रैंडम मोशन है ना, उसके वजह से मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली कोलाइड विद ईच अदर एंड ऑल्सो विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो ये तो मैंने पहले ही बताया तुम लोगों को, देयर इज, बट ये जो कोलिजन होते हैं ना वो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। एंड इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम आवर लॉज ऑफ मोशन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इज दैट काइंड ऑफ कोलिजन जहाँ पे तुम्हारा मोमेंटम तो कंजर्व रहता ही है, बट साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होता है। सो व्हाट आई मीन टू से इज दैट देर आर नो काइनेटिक एनर्जी लॉसेस। कोई भी काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, और वो होगा ही क्योंकि गैस का मास या फिर गैस के मॉलिक्यूल का मास इतना कम होता है कि लॉसेस के लिए कोई चांस ही नहीं है। अगर हुआ भी तो फिजिक्स में हम लोग उसको निग्लेक्ट कर देते हैं इतने छोटे स्केल पे। सेकंड चीज क्या बोला मैंने, दीज कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक, है ना? और परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होता है, तो ब्रैकेट में आपके लिए मैं लिख रहा हूँ, दैट इज मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी
momentum and kinetic energy both are conserved. चलो तो ये दोनों चीज़ें क्या होने वाली है, कंजर्व रहने वाली है. थर्ड पॉइंट जो मैं बताने वाला हूँ वो याद रखो. बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स अ मॉलिक्यूल ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा ना बिटवीन टू कोलिजन, मतलब अभी विजुअलाइज करो, यहाँ पे ए है जहाँ पे मॉलिक्यूल ऑलरेडी कोलाइड हुआ, फिर वो यहाँ पे जाएगा और मॉलिक्यूल बी के साथ कोलाइड होगा. अपना मॉलिक्यूल सी था, सी पहले ए मॉलिक्यूल से कोलाइड हुआ, फिर बेंड हुआ, फिर वो बी मॉलिक्यूल पे कोलाइड हुआ और किधर भी आगे जाए, आई डोंट केयर. बोलने का पॉइंट क्या है कि इन बिटवीन टू कोलिजन, लाइक इन बिटवीन ए एंड बी, द मॉलिक्यूल विल ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. और ये जो स्ट्रेट लाइन होता है ना उसको हम बोलते हैं फ्री पाथ. क्या बोलेंगे? फ्री पाथ. तो मिल गया आपने को तीसरा पॉइंट. बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स अ मॉलिक्यूल ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी एंड इस पाथ को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज फ्री पाथ. इट इज कॉल्ड एज फ्री पाथ. अच्छा है, तो अपने को फ्री पाथ के बारे में भी समझा. अभी आती इम्पॉर्टेंट सी चीज़, ओके. एक लास्ट पॉइंट, और ये पॉइंट अच्छे से समझो, थोड़ा सा ट्रिकी है बट आराम से समझ जाएगा. टाइम टेकन फॉर कोलिजन इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द फ्री पाथ. विजुअलाइज करते हैं, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, ये मॉलिक्यूल इधर से इधर आने वाला है, ये मॉलिक्यूल इधर से इधर आने वाला है. कोलाइड होने के बाद ये दोनों इधर मिलेंगे, कोलाइड होंगे फिर सेपरेट हो जाएंगे, बराबर कि नहीं? आई होप तुम लोग को समझ रहा है. ये तुम्हारा ए था, ये भी तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी था, ये भी तुम्हारा बी है. तो आफ्टर सम टाइम ए इधर आएगा, बी इधर आएगा. अभी प्रोसेस समझा, ए कैसे गया, बी के साथ कोलाइड हुआ, फिर दोनों ने अपने पाथ बदल लिया. अभी मैं क्या बोल रहा हूँ वो ध्यान से समझो. द टाइम टेकन फॉर द कोलिजन, मतलब यहाँ पे जो टाइम लग रहा है ना कोलाइड होने के लिए, कोलाइड होते वक्त, द टाइम टेकन फॉर कोलिजन इज वेरी स्मॉल एज द टाइम टेकन टू कवर द फ्री पाथ. फ्री पाथ क्या होता है, ए मॉलिक्यूल यहाँ से बी के तरफ आता है कोलिजन में, तो जो जितना डिस्टेंस कवर करता है वो फ्री पाथ होता है, बराबर कि नहीं? तो वो बोल रहे हैं कि कोलिजन होगा ना, यानी ऐसा कोलाइड हो रहे दो मॉलिक्यूल्स, तो वो फास्ट होंगे एकदम. कोलाइड मतलब कोलाइड होते वक्त जो प्रोसेस होता है ना कोलिजन का, वो फास्ट होता है. बट कोलिजन होने के लिए जब मॉलिक्यूल ट्रैवल करते हैं, वो ट्रैवल करने के लिए उनको ज़्यादा टाइम लगता है. तो पॉइंट कुछ इस तरह से लिखेंगे, द टाइम टेकन फॉर कोलिजन इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू टाइम रिक्वायर्ड टू कवर फ्री पाथ बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स. चलो कंटिन्यू करते हैं अभी आगे डेफिनेशंस की तरफ, ओके.
ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कवर किया है, एजम्पशंस ऑफ केटीजी, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे दो मेन चीज़ें आएगी, नेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल दिखता कैसे है, रहता कैसे है, देन रैंडम मोशन, वो बिहेव कैसे करता है, ये सारी चीज़ें। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो गया। अभी कुछ डेफिनेशंस की तरफ बात करते हैं। तो पहला डेफिनेशन जो हम लोग देखने वाले हैं वो डेफिनेशन है मीन फ्री पाथ का। किसी भी चीज़ का मीन निकालते तो कैसे निकालते, समझो क्लास में 10 स्टूडेंट है और 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स का मीन निकालना है। मीन मतलब क्या होता है, एवरेज। तो वो 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 10, बराबर ना, तो मुझे क्या मिलेगा, मीन मिलेगा। तो अभी मीन फ्री पाथ का एवरेज निकालने के लिए क्यों ना मैं एक मॉलिक्यूल कंसिडर करता हूँ जो एक पाथ लेने वाला है। समझो ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कोलाइड हुआ, ए पे कोलाइड हुआ यहाँ पे, देन उसने अपना पाथ चेंज किया, वो बी पे गया, फिर वो सी पे कोलाइड हुआ, फिर वो ऐसे गया डी पे गया, फिर डी पे कोलाइड हुआ, फिर ई पे गया, फिर यहाँ पे कोलाइड हुआ और एफ पे आया, है ना। तो ये सारी डिफरेंट चीज़ें होती रहती है, ई तक ही कंसिडर करते हैं कि ई तक कोलाइड हुआ है वो। अभी इसने कितने मीन फ्री पाथ कवर किए, तो जब वो ए टू बी जा रहा था तो उसका एक मीन फ्री पाथ हुआ, समझो तो ये हुआ पहले लैम्बडा 1, देन लैम्बडा 2, देन लैम्बडा 3, देन लैम्बडा 4, देन लैम्बडा 5 एंड सो ऑन। तो मैं ये कितने बार कर सकता हूँ, जितने भी फ्री पाथ है उतने के लिए। तो मेरा एक जनरलाइज मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला डेवलप हो जाता है, एंड दिस फॉर्मूला वुड बी लाइक दिस। ध्यान से देखना फॉर्मूला क्या हो जाता है, लैम्बडा मीन फ्री पाथ, इसको चाहिए तो लैम्बडा 1 भी लिख सकते हैं, वुड बी इक्वल टू लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 प्लस प्लस प्लस, समझो n कोलिजन्स है तो दैट वुड बी लैम्बडा n डिवाइडेड बाय n डैश। जानबूझ के n डैश लिख रहा हूँ, n नहीं लिख रहा हूँ, बिकॉज जब मैं यहाँ पे n डैश मेंशन करता हूँ, इस n डैश का मतलब होता है नंबर ऑफ कोलिजन्स, नॉट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। रीजन भी समझो, मैं जब ये निकाल रहा था मीन फ्री पाथ तो मैं एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर फोकस कर रहा था। कितने मॉलिक्यूल के ऊपर फोकस कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल के ऊपर, तो मैं बाकी की चीज़ों के बारे में क्यों सोचूंगा, बराबर कि नहीं। मैं सिर्फ एक मॉलिक्यूल के बारे में पूरा का पूरा फोकस दूंगा, तो n डैश इज नथिंग बट नंबर ऑफ कोलिजन जो एक मॉलिक्यूल कर रहा है। अभी हुआ ये कि प्रॉब्लम ऐसे होता है, अगर तुम लोग प्रैक्टिकली देखने जाओ ना, प्रैक्टिकली, तो यू कैन नॉट कैलकुलेट दिस लैम्बडा 1, यू कैन नॉट कैलकुलेट दिस लैम्बडा 2, लैम्बडा 3, लैम्बडा 4, लैम्बडा 5। मतलब कैसे कैलकुलेट करोगे यार, पहली बात तो चीज़ें दिखती नहीं है, और दिखेगी भी तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखेगी, वो भी प्रॉब्लमेटिक है कि इतना खर्चा कौन करेगा एक सिंपल सी चीज़ के लिए। सो वी नीड समथिंग डिफरेंट, राइट। सो यूजिंग डेरिवेशन वी फाउंड कि देर इज़ वन मोर वे विथ विच वी कैन फाइंड आउट लैम्बडा, एंड दैट फॉर्मूला समटाइम्स सम में यूज होता है। दिस लैम्बडा इज गिवन एज 1/√2πd²n। अभी ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लैम्बडा अभी तो पता चल गया तुम लोग को कि इट इज़ नथिंग बट मीन फ्री पाथ। अभी कुछ बोलेंगे सर लैम्बडा तो वेवलेंथ भी होता है, बट जैसे तेरा नाम सुधीर है तो किसी और बंदे का नाम भी सुधीर हो सकता है, जस्ट लाइक दैट वी हैव सेम सिंबल फॉर डिफरेंट क्वांटिटीज। जैसे रो डेंसिटी को भी यूज़ होता है, रो रेजिस्टिविटी को भी यूज़ होता है, और रो अलग अलग चीज़ को भी यूज़ होता है। अभी देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें है, लैम्बडा तो मीन फ्री पाथ हो गया, देन नेक्स्ट ये जो डी है ना, डी इट इज़ नथिंग बट डायामीटर ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल का साइज कंसिडर कर रहे हैं हम लोग कोलिजन के लिए। सो दिस इज नथिंग बट डायामीटर ऑफ मॉलिक्यूल। देन नेक्स्ट वी हैव एन, जो एन है ना उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो मतलब अगर मैं यूनिट वॉल्यूम लूंगा और उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल है वो कंसिडर करूंगा, तो वो मेरे हो जाएंगे n। इस पर्टिकुलर चीज का दूसरा भी एक नाम है, इसको हम बोलते हैं नंबर डेंसिटी या फिर मॉलिक्यूलर डेंसिटी। ओके, तो ये हो गए तुम्हारे दो फॉर्मूला मीन फ्री पाथ के। अभी मीन फ्री पाथ होने के बाद एक और डेफिनेशन देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं मीन वेलोसिटी या फिर एवरेज वेलोसिटी।
So let's begin. Mean velocity या फिर एवरेज वेलोसिटी, वी डिनोट एवरेज वेलोसिटी बाय सी बार, मतलब जानबूझ के सी, क्योंकि वेलोसिटी और भी जगह यूज़ होते रहते हैं ना, इसीलिए अभी यहाँ पे अभी तक आया नहीं था, बट वी विल कॉल वेलोसिटी फॉर मॉलिक्यूल फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड एज सी। किसी को पसंद नहीं आया, सर मेरे को वेलोसिटी को भी बोलना पसंद है, हाँ तेरी मर्जी, तेरे को जो चाहिए कर सकता है, इट्स योर चॉइस। सो मीन वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय सी बार। ओके लेट्स कंटिन्यू। देखो मेरे पास मॉलिक्यूल्स है 10, वो 10 मॉलिक्यूल मैंने एक रूम में भर के रखे हैं। अभी दिस इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स विल हैव इंडिविजुअल वेलोसिटीज, जैसे एक मॉलिक्यूल्स का स्पीड हो सकता है 2 मीटर पर सेकेंड, तो उसको मैंने C1 बोला। दूसरे मॉलिक्यूल का स्पीड हो सकता है 3 मीटर पर सेकेंड, उसको मैंने C2 बोला। ऐसे वी कैन हैव डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट वेलोसिटीज, सो दैट्स वाई मीन निकालना या फिर एवरेज निकालना बहुत इंपॉर्टेंट सा हो जाता है। सो अपना फॉर्मूला हो जाएगा सी बार विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस 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 CN। बट एक चीज़ नोटिस की माई फ्रेंड्स, कि यहाँ पे मैं एक मॉलिक्यूल के बारे में नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं डिस्कस कर रहा हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में। एंड दैट इज़ वाई जब यहाँ पे मैं डिवाइड बाय एन करता हूँ, तो मैं एक्चुअली मीन कर रहा हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नॉट नंबर ऑफ कोलिजन, जैसे प्रीवियसली किया था ना, अभी जस्ट डेफिनेशन देखा उसमें। सो दिस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हो गया तुम्हारा सी बार। एक चीज़ याद रखो कि ये जो सी बार है ना, उसके ऊपर बार साइन इसलिए आया है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो ये आपके लिए नोट है कि दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। शायद इस लॉजिक को किधर आगे यूज करना लगे, तो ये मीन वेलोसिटी हो गई। उसके बाद मैं निकालने वाला हूँ मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालने के लिए पहले उसका सिंबल समझना ज़रूरी है। जो सी बार होता है उसके ऊपर अगर आप स्क्वायर बना दोगे, तो ये हो गया वेट सी स्क्वायर बार, ऐसे शो करते हैं उसको। दिस इज़ अवर मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या करना है? एवरी जो मॉलिक्यूल है उसके वेलोसिटी का स्क्वायर करना है एंड देन एड अप करना है, मतलब सी स्क्वायर बार will be equal to C1 square plus C2 square plus 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 CN square divided by, अभी देखो ध्यान से, यहाँ पे नीचे मैं n square तो बोल नहीं सकता, उसका रीज़न है क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का स्क्वायर थोड़ी हो रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का स्क्वायर नहीं हो रहा है, स्पीड का स्क्वायर हो रहा है। बट ये भी हमारे काम की चीज़ नहीं है। जो वेलोसिटी हम लोग यूज़ करते हैं एक्चुअल सम सॉल्विंग में, एक्चुअल डेरिवेशन में, उसको हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और अदरवाइज ऑल्सो नोन एज RMS वेलोसिटी। ये जो RMS का कंसेप्ट है ना, ये आपको बार बार आता रहेगा। सो लेट्स कॉल दिस कंसेप्ट एज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? CRMS से। तो CRMS आ गया मेरा। अब इसका कैसा फॉर्मूला होता है पता है? जो भी मीन स्क्वायर वेलोसिटी है उसको रूट में डालो, मतलब ये जो दिख रहा है मीन स्क्वायर वेलोसिटी, उसको क्या करना है आपको? रूट में डालना है, बस खत्म हो गया। उसी को हम लोग बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सो इफ आई वॉन्ट टू राइट दिस CRMS, आई विल राइट इट लाइक दिस, CRMS वुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर, अपॉन में क्या आएगा? पूरा का पूरा N। सो दिस इज हाउ वी गेट CRMS का फॉर्मूला। अभी देखो गाइज, ये समझो कि मतलब क्यों CRMS चाहिए। तो जो CRMS होता है वो अपना स्केलर क्वांटिटी होता है। अभी याद करो, जो अपना सी एवरेज था या फिर एवरेज वेलोसिटी बोलते थे, वो वेक्टर क्वांटिटी था। अभी हम लोग क्यों प्रेफर करते हैं स्केलर क्वांटिटी को ओवर द वेक्टर क्वांटिटी, उसका रीज़न ये सिंपल सा है।
मान लो ये मैं और मैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जाना चाहता हूँ, बराबर ना। तो मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे पहुँचा एंड देन मुझे घर जाना पड़ा, मैं रिटर्न आ रहा हूँ, बराबर ना। तो अगर मैं वेलोसिटी दिखूंगा मेरा, तो एज वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, जाते वक्त मेरा वेलोसिटी था प्लस 5 मीटर पर सेकेंड, आते वक्त मेरा वेलोसिटी था माइनस 5, एज इट इज वेक्टर क्वांटिटी ये वेक्टर नेगेटिव हुआ, तो मेरा नेट वेलोसिटी कितना हुआ, 0 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं गैसेस के केस में भी ऐसा कंसिडर करूँ कि गैस एक ऐसे जा रहा है टूवर्ड्स राइट, एक ऐसे आ रहा है टूवर्ड्स लेफ्ट, तो दोनों गैस मिलके कितना वेलोसिटी देंगे, दोनों मॉलिक्यूल मिलके 0 मीटर पर सेकेंड। बट कभी ऐसा पॉसिबल होगा क्या कि गैस का, कभी ऐसा पॉसिबल होगा क्या कि गैस रुका हुआ है, गैस स्टॉप है, गैस 0 मीटर पर सेकेंड में? बिल्कुल नहीं, गैस विल ऑलवेज बी इन द मोशन। सिर्फ एक टेम्परेचर है जो किसी की नहीं सुनता, जो सबको रोक के रखता है, एंड दैट टेम्परेचर इज 0 केल्विन। बट जब तक 0 केल्विन नहीं आता, तब तक गैस कंटिन्यूअस मोशन में रहेगा, रहेगा कि नहीं? दैट्स वाई वी कैन नॉट कंसिडर एवरेज वेलोसिटी। तो हम लोग को कौन सा वेलोसिटी लेना पड़ता है, स्केलर वाला, यानी कौन सा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। आई होप तुम लोग को इसका इम्पोर्टेंस समझ चुका है। अभी इसके बाद जो मैं डेरिवेशन चालू करने वाला हूँ, इट इज़ वन ऑफ द लेंथीएस्ट डेरिवेशन इन योर सिलेबस, बट हमको वो करना ही पड़ेगा। तो है भी लेंथी और है भी इम्पोर्टेंट, ये भी है, मतलब ऐसा नहीं कि लाइक क्यों करे, फ़ायदा क्या है करके। तो ये वही डेरिवेशन है जो आपको एक ऐसा फॉर्मूला देगा ना, ऐसा अमेजिंग फॉर्मूला देगा, जो फॉर्मूला यूज करके आप सारे लॉ प्रूफ कर सकते हो, चार्ल्स लॉ, देन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो गैस की, अरे बहुत सॉरी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो तुम लोग। सो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन फॉर द प्रेशर ऑफ अ गैस। तो अभी मैं क्या कंसिडर करने वाला हूँ, मैं प्रेशर निकालने वाला हूँ कि इतने इतने अमाउंट का प्रेशर कोई भी गैस एक कंटेनर के ऊपर लगा सकता है, ठीक है नहीं? तो मुझे पहले कंटेनर क्रिएट करना पड़ेगा, क्यों ना हम लोग एक कंटेनर क्रिएट करें। सॉरी, सो वी हैव गॉट आवर कंटेनर जस्ट नाउ। अभी ये देखने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा ना, तो 3D प्रॉपर विजुअलाइजेशन होना चाहिए, इसीलिए मैं जो अंदर वाली साइड है उसको डॉटेड बनाता हूँ। This is how we got our container ready. अभी देखो container तो ready हो गया, but इसके अंदर कुछ axis भी consider करने पड़ेंगे अपने को, तो क्यों ना मैं axis भी draw करूँ। तो इस container के अंदर 3 axis बनाएंगे, पहला वाला axis origin से लेकर जो होगा बाहर की तरफ, this will be our x-axis,
तो एक्स एक्सिस रेडी हो गया अपना, अभी वाई एक्सिस बनाते हैं। ओके दिस इज अवर वाई एक्सिस एंड अभी जेड एक्सिस बनाते हैं ऊपर की तरफ, राइट। सो दिस इज अवर जेड एक्सिस। नाउ वी गॉट अवर कंटेनर विथ थ्री एक्सिस इंटैक्ट। ये एक्स एक्सिस कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है, सो छोटा कर देते हैं। ओके सो नाउ वी हैव अवर थ्री एक्सिस, एक सेंटर है। अभी वॉल कंसिडर करते हैं। तो वॉल है ना, अपने पास दो वॉल है, एक हुआ ये वॉल, एक्चुअली छः वॉल है क्योंकि कंटेनर है, क्यूबिक कंटेनर लिया ना हम लोगों ने। तो क्यूबिक कंटेनर में कितने वॉल्स होंगे? छः वॉल होंगे। दिस इज़ वन एंड दिस इज़ टू। मतलब हम लोग फोकस करेंगे सिर्फ दो वॉल्स पे, एक ये वॉल होगा और एक ये वॉल होगा। नामकरण विधि करते हैं इसका। सो ये हो जाएगा पी डैश क्यू डैश आर डैश एस डैश, फिर ये हो जाएगा पी क्यू आर एस। सर पहले पी क्यू आर एस क्यों नहीं? तेरी मर्जी, तेरे को जो चाहिए वो तू कर सकता है, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। अभी क्या कंसिडर करना है हमें, वॉल के एक साइड पे ना, हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूब है ना सर, क्यूब का एज तो होगा ना कितने कुछ लेंथ का, हाँ है। ये जो एस डैश एस है ना, उस साइड का लेंथ है एल, मतलब क्यूब का जो भी इंडिविजुअल एज है उसका लेंथ एल है। बाय दैट लॉजिक अगर मैं एक फेस का एरिया निकालना चाहूँ, सो दिस वुड बी एल इंटू एल, दैट इज नथिंग बट एल स्क्वायर। एंड वॉट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब? इजंट इट एच का क्यूब? दैट मीन्स एल क्यूब। तो वॉल्यूम समझा क्यूब का कितना आएगा यहाँ पे? एल क्यूब आएगा। अभी ध्यान से समझो, मेरा कंटेनर हो गया, कंटेनर में हर एक एच का लेंथ है एल। अभी मैं कंसिडर करूँगा एक गैस मॉलिक्यूल समवेयर अलोंग हेयर, मतलब वो ना इस एच के ऊपर है, ये गैस मॉलिक्यूल इस एच के ऊपर है। सो इट विल हैव अ वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन। समझो एक वेलोसिटी है उसका एक्स के डायरेक्शन में, वी विल कॉल दैट वेलोसिटी एज यू वन। अगर यही मॉलिक्यूल के पास वेलोसिटी वाई के डायरेक्शन में होता, पॉजिटिव वाई के तरफ, तो कहने से मैं इसको बोल सकता था वी वन, क्योंकि वो वाई के डायरेक्शन में, मैंने जस्ट एज्यूम किया। याद है हम लोग यूनिट वेक्टर्स यूज़ करते थे लाइक आई जे के, आई हुआ तो एक्स के डायरेक्शन में, वैसे मैं वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बोल रहा हूँ। अगर मैग्नीट्यूड एक्स के डायरेक्शन में है तो उसको हम लोग यू से डिनोट करेंगे, अगर वो वाई के डायरेक्शन में है, जैसे ये वाई के डायरेक्शन में हुआ ना, तो हम लोग उसको वी बोलेंगे। अगर वो जेड के डायरेक्शन में है तो उसको हम बोलेंगे के। तो आई होप तुम लोग को ये डायग्राम अच्छी तरह से समझा है, तुम लोग को कंसेप्ट समझ रहा है। अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। सो मेरे पास एक के नहीं बोलेंगे, इसको W बोलेंगे। सो दिस इज यू वी वन और इसको हम बोलेंगे W। समझो एक उसका मास है M, एक गैस मॉलिक्यूल जो अपने वॉल पी डैश क्यू डैश आर डैश एस डैश पे अवेलेबल है, वो इस वॉल से दूसरी वॉल की तरफ जाएगा, वहाँ पे कोलाइड होगा और कोलाइड होके फिर रिटर्न आएगा। तो वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? जाते वक्त L और आते वक्त L, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? L प्लस L 2L, बराबर। तो प्रोसेस समझा मैंने क्या कर रहा हूँ? मैं एक मॉलिक्यूल को ले रहा हूँ एट द वॉल पी डैश क्यू डैश आर डैश और एस डैश, और ये वॉल से वो दूसरी वॉल की तरफ जाने वाला है, दूसरी वॉल में कोलाइड होने वाला है, कोलाइड होने के बाद रिटर्न आने वाला है, समझा। तो मैं ना, मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मॉलिक्यूल V डायरेक्शन में जा रहा है या फिर W डायरेक्शन में, मैं सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहा हूँ U के ऊपर। माय फोकस इज ऑन U, ओके। सो U के ऊपर फोकस है। अभी ये जाएगा U, यहाँ पे कोलाइड होगा, तो अभी मॉलिक्यूल का वेलोसिटी डायरेक्शन नहीं चेंज करेगा क्या? तो उसका U अभी ये डायरेक्शन में होगा, है ना। तो मेरा फोकस क्या था? U पे। बट अगर यही चीज़ V के साथ होती तो मॉलिक्यूल इधर आता एंड देन उस डायरेक्शन में जाता कोलाइड होने के बाद। दैट मीन्स अगर मैं V यहाँ पे बनाऊंगा तो ये उस डायरेक्शन में आएगा। सिमिलरली Z के लिए अगर मॉलिक्यूल ऊपर जाता है तो बाद में कोलाइड होने के बाद वो कैसे आएगा? नीचे आएगा। तो मुझे जो नया मॉलिक्यूल मिलेगा एट दिस पर्टिकुलर वॉल, उसके सारे डायरेक्शन क्या हुए होंगे? चेंज है कि नहीं। तो ये मॉलिक्यूल का यू होगा नाउ इन दिस डायरेक्शन, V होगा Y के अपोजिट, पॉजिटिव Y के अपोजिट डायरेक्शन में, एंड Z होगा मतलब W1 पॉजिटिव Z के अपोजिट डायरेक्शन में। सो दिस इज W1 एंड दिस इज हाउ वी गेट अवर डायग्राम।
फिर से रिपीट कर रहा हूँ डायग्राम, अच्छे से समझो। मैंने एक क्यूबिक कंटेनर कंसिडर किया है। इस कंटेनर के अंदर एक्सिस बनाए, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक क्या है, जेड एक्सिस। मैंने दो वॉल कंसिडर किए, दो वॉल के ऊपर ही फोकस कर रहा हूँ। इवन दो मेरे पास छः फेसेस है, मैं दो वॉल के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। हर एक एज का लेंथ कितना है, एल, क्योंकि ये क्यूब है तो सारे एजेस क्या हुए, सेम हुए। सेकेंड चीज़, कौन से दो फेसेस कंसिडर करने वाला हूँ, तो पहला फेस है पी डैश, क्यू डैश, आर डैश, एस डैश, और दूसरा फेस है पी क्यू आर एस। मैंने इनिशियली कंसिडर किया कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है जिसका मास m है, उसके पास वेलोसिटीज तीन टाइप की हो सकती है। अगर x के डायरेक्शन में देखा तो u हो सकता है, y के डायरेक्शन में देखा तो v हो सकता है, z के डायरेक्शन में देखा तो w हो सकता है। अगर मैं फोकस करूँगा सिर्फ x के डायरेक्शन पे और मॉलिक्यूल ये लेफ्ट से राइट गया, कोलाइड हुआ, फिर रिटर्न गया, तो जब वो रिटर्न जाएगा तो उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, बराबर कि नहीं। तो अगर वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो वेलोसिटी राइट की तरफ होगा, अगर राइट टू लेफ्ट जा रहा है तो वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ होगा। ये मैंने सिर्फ किसके बारे में सोचा था, एक्स के बारे में, बट अगर यही चीज़ वाई के बारे में होती तो उसका भी वेलोसिटी चेंज हो जाता ना। अगर यही चीज़ जेड के बारे में होती तो उसका भी वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। आई होप तुम लोग को ये डायग्राम अच्छी तरह से समझ रहा है। अभी कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग एज्यूम करते हैं, वो चीज़ें लिखने पड़ेंगी। जैसे कि Let n be total number of molecules, capital N would be equal to total number of molecules. Second चीज, let small m will be equal to mass of each molecule. एंड अगर तुम लोग को KTG के assumptions जस्ट अभी सिखाए हुए याद होंगे तो ये भी याद होगा कि एक गैस के लिए, जैसे मैंने इसके अंदर एक ही गैस कंसिडर किया है, जो भी मॉलिक्यूल होंगे वो सेम शेप, सेम साइज, सेम मास के होंगे। सो दैट मीन्स मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल विल बी सेम, जाने दो, मॉल ही लिखते हैं, तो स्मॉल एम भी हो गया। लेट्स टेक वन अदर क्वांटिटी जैसे कि कैपिटल एम, एंड लेट दिस कैपिटल एम विल बी टोटल मास। अभी विजुअलाइज करो, मेरे एक मॉलिक्यूल का मास है 1 kg। अभी इतना तो होने से रहा, 1 kg थोड़ी होता है, बट एज्यूम किया है एक मॉलिक्यूल का मास 1 kg और मेरे पास 100 मॉलिक्यूल्स है, तो मेरा टोटल मास कितना होगा, 100 times 1, राइट। अगर मेरे पास 200 मॉलिक्यूल्स है तो 200 times 1, दैट मीन्स अगर मैं स्मॉल m को n से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे टोटल मास मिल रहा है। सो दैट्स वाई यू गेट कैपिटल m इज इक्वल टू स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय बिग n। सेकेंड चीज़, अगर मैं लिखूँ एरिया ऑफ वन साइड, एरिया ऑफ ईच फेस, सो ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ ईच फेस, सो दैट वुड बी बिग मी, दैट वुड बी l स्क्वायर, राइट। एक फेस का एरिया कितना होगा, एल स्क्वायर, साइड का एरिया देख रहे हो ना तुम लोग। एंड व्हाट इज वी, इजंट वी वॉल्यूम, सो वी विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेसल, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सो दैट विल बी इक्वल टू एल क्यूब। आई होप तुम लोग को चीज़ें अच्छी तरह से समझ रही है। एक और चीज़ याद रखना, व्हाट इज मास बाय वॉल्यूम, इजंट इट डेंसिटी, सो उसको भी हमें बाद में यूज करना है। अभी हम डेरिवेशन को शुरुआत करने वाले हैं। लेट C1 वेक्टर, C2 वेक्टर एंड CN वेक्टर बी द वेलोसिटीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मुझे डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज मिले, C1, C2, CN। जैसे इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का वेलोसिटी C1 है, इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का वेलोसिटी क्या है, C1 है। सर आपने C1 बोला, बट ये फिर U1 क्या है, W1 क्या है, V1 क्या है, अरे C1 के ही पार्ट है वो। मैं C1 वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूँ, बराबर कि नहीं। C1 वेक्टर कैन बी रिटन एज U1i प्लस V1j प्लस W1k, याद आया वेक्टर का कंसेप्ट। तो ये क्या हुआ, मैग्नीट्यूड इन एक्स डायरेक्शन, और ये आई का इंडिकेट करता है एक्स डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड वाई डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड जेड डायरेक्शन। तो अगर मुझे सी का मैग्नीट्यूड निकालना है, इस पर्टिकुलर सी का, तो मैं कैसे निकाल पाऊंगा सी का मैग्नीट्यूड, सो बाय यूजिंग वेक्टर का प्रॉपर्टी, सी वन वुड बी अंडर रूट ऑफ U1 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर
प्लस डब्ल्यू वन स्क्वायर, राइट गाइस? तो ये सी वन हुआ ना, बट वॉट इफ आई वॉन्ट टू फाइंड आउट सी वन स्क्वायर, सो आई विल गेट समथिंग लाइक दिस, सी वन स्क्वायर वुड बी इक्वल टू यू वन स्क्वायर प्लस वी वन स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वन स्क्वायर, हाँ ये एक चीज हुई। सिमिलरली कैन आई राइट, ये सिमिलरली ना मैजिक वर्ड है, सो आई कैन राइट सी टू स्क्वायर विल बी इक्वल टू यू टू, ये सेकेंड मॉलिक्यूल के लिए यू टू स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू टू स्क्वायर। वॉट अबाउट एंथ मॉलिक्यूल, सो कैन आई राइट सी एन स्क्वायर वुड बी इक्वल टू यू एन स्क्वायर प्लस वी एन स्क्वायर प्लस डब्ल्यू एन स्क्वायर। एंड ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इसको मैं बोलूँगा इक्वेशन नंबर वन। और अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर वन बोल रहा हूँ तो दैट मीन्स आगे चल के किधर ना किधर मुझे इसका यूज़ करना है, ये भी चीज़ याद रखना। लेट्स कंटिन्यू फर्दर विथ अवर डेरिवेशन। ओके, अभी एक विजुअलाइजेशन क्या करना था अपने को, हमने क्या अज्यूम किया था कि मॉलिक्यूल यहाँ से आएगा, पी क्यू आर एस को कोलाइड होगा एंड देन रिटर्न जाने वाला है, बराबर? बट जब ये कोलाइड करेगा, उसके पहले के सिचुएशन को कैन आई कॉल इट एज बिफोर कोलिजन? जब ये कोलाइड करेगा एंड देन दूर जा रहा है तो कैन आई से आफ्टर कोलिजन? तो ये सारी चीज़ें याद रखना। तो अगर मैं कंसिडर करूँ, पहले लिखना पड़ेगा मॉलिक्यूल क्या कर रहा है वो तो मालूम होना चाहिए ना अपने डेरिवेशन में। लेट मॉलिक्यूल वन ऑफ मास एम ट्रैवल्स फ्रॉम पी डैश क्यू डैश आर डैश एस डैश, इट कोलाइड्स विथ पी क्यू आर एस एंड रिटर्न्स बैक टू ओरिजिनल लोकेशन। मतलब इन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके बीच में इतने सारे मॉलिक्यूल आएंगे कि वो जो अपना स्टडीड मॉलिक्यूल है ना, वो अपना पाथ चेंज करता रहेगा, वो कंटिन्यूसली अपना डायरेक्शन चेंज करता रहेगा। तो चलो अभी फोकस करते हैं। तो लेट मॉलिक्यूल वन ऑफ मास एम ट्रैवल्स फ्रॉम पी डैश क्यू डैश आर डैश एस डैश, इट कोलाइड्स विद पी क्यू आर एस एंड रिटर्न्स बैक टू ओरिजिनल लोकेशन। अभी देखो, अगर मैं इनिशियल मोमेंटम निकालूँ जो कोलिजन से पहले होता है, सो इनिशियल मोमेंटम, सो इनिशियल मोमेंटम, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल, इजंट इट मास इनटू वेलोसिटी? तो लिखूंगा मैं इसको मास इनटू वेलोसिटी। सर बट व्हाई आर यू राइटिंग यू वन ओनली? क्योंकि मैं सोच रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन के लिए, मैं बाकी सारी चीज़ों को लिमिटेड कर दिया है, जितनी चीज़ें ईजी होगी उतना बेटर होगा। ओके, सो व्हाई डोंट आई कंसीडर फॉर एक्स डायरेक्शन या फिर अलोंग एक्स एक्सिस, ये बेटर रहेगा। तो मैं सोच कैसे रहा हूँ, मेरी सोच अभी सिर्फ यू के लिए सीमित है, मैं बाकी एक्सेस को इंक्लूड ही नहीं करने वाला हूँ, ज़्यादा टेंशन नहीं चाहिए। ये हुआ तेरा इनिशियल मोमेंटम, बट जैसे ही मॉलिक्यूल कोलाइड होगा तो उसके बाद उसका फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। तो अभी मुझे लिखना है फाइनल मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कोलाइड हो चुका है, वो लेफ्ट से राइट आके कोलाइड हो गया, अभी मॉलिक्यूल राइट से लेफ्ट जाएगा। अभी देखो ध्यान से, जब वो राइट से लेफ्ट जाता है तो उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, होता है कि नहीं? तो उसका वेलोसिटी अभी होगा नेगेटिव ऑफ यू, अपोजिट डायरेक्शन, अदरवाइज कैसे इंडिकेट करोगे? सो तुम्हारा फॉर्मूला क्या मिला, माइनस एम यू वन। सो नाउ यू हैव इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी इनिशियल मोमेंटम, एंड यू हैव फाइनल मोमेंटम, व्हाट विल बी चेंज इन मोमेंटम? So change in momentum will be equal to final momentum minus initial momentum। तो चलो final momentum अपने पास क्या अवेलेबल था, माइनस एम यू वन, और इनिशियल मोमेंटम क्या अवेलेबल था, एम यू वन। तो क्यों ना मैं उसको पुट कर दूँ, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा एम यू एन। वॉट इज माइनस ऑफ माइ, तो ये टू टाइम्स हो जाएगा, सो माइनस टू एम यू वन, दिस इज नथिंग बट यूर चेंज इन
मोमेंटम, दैट इज डेल्टा स्मॉल पी. स्मॉल पी डिनोट किया है प्रेशर का अलग सिंबल होता है, सो ये हुआ डेल्टा पी. बट ये जो चेंज इन मोमेंटम था वो मॉलिक्यूल के लिए था. मॉलिक्यूल 2mu जितना मोमेंटम लॉस कर रहा है. बट क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने, किसी भी कोलिजन में मोमेंटम क्या रहता है, हमेशा कंजर्व. तो अगर मॉलिक्यूल 2mu लॉस कर रहा है तो वो गेन कौन कर रहा है, गेन कर रहा है वॉल, क्योंकि ये वॉल के साथ कोलाइड कर रहा है ना. ये मॉलिक्यूल इधर आके किसके साथ कोलाइड कर रहा है, ये वॉल के साथ कोलाइड कर रहा है. दैट मीन्स अगर मॉलिक्यूल 2mu1 लॉस कर रहा है तो वॉल कितना गेन करेगा, प्लस 2mu1. सो गेन इन मोमेंटम बाय वॉल डेल्टा पी स्मॉल पी विल बी इक्वल टू प्लस 2mu1. तो मिल गया अभी वॉल का. अभी एक और चीज़ याद रखो थोड़ी सी, कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है मॉलिक्यूल ने. जैसे पहले बताया था L L 2L बराबर ना. सो आई कैन राइट वन मोर थिंग दैट टोटल डिस्टेंस कवर बाय मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू 2L, है ना. और एक फॉर्मूला तुम लोग को याद है, व्हाट इज वेलोसिटी. सो वेलोसिटी वुड बी इक्वल टू, वेलोसिटी से बेटर वर्ड यूज करते हैं स्पीड. नहीं तो बोलोगे सर वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है. सो लेट्स यूज स्पीड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अभी देखो स्पीड को हम लोग एक्स के डायरेक्शन में सोच रहे हैं तो यू वन लिखेंगे. डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस कवर कर रहा है 2L. टाइम कितना दे रहा है, टाइम दे रहा है टी. क्या मैं यहाँ से टाइम निकाल पाऊँगा, तो मुझे टाइम मिलेगा टी विल बी इक्वल टू 2L डिवाइडेड बाय U1. देखो मेरे को जो जो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट लगने वाली है मैं इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ. मुझे ये 2mu लगने वाला है आगे जाके, मुझे ये टाइम लगने वाला है. हाँ बाकी 2L तो मैंने ऑलरेडी यूज़ कर ही लिया है. अभी क्या करेंगे, मेरे पास मोमेंटम है, दैट इज़ चेंज इन मोमेंटम है और टाइम भी है. हैव यू हर्ड अबाउट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. यस, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट फोर्स, बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ एफ इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. बट अभी यहाँ पे हम लोग कौन से मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग फर्स्ट मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं ना. तो मेरा फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई हो जाएगा, देखो आई विल गेट F1 विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम दैट इज 2mu1 अपॉन नीचे क्या आएगा, टोटल टाइम आएगा बराबर ना. क्योंकि रेट का मतलब क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. चेंज इन मोमेंटम वॉल के लिए कितना था 2mu1, फिर आगे क्या हो जाएगा देखो, वी विल गेट 2mu1. और जस्ट अभी हम लोगों ने टाइम निकाला ना, टाइम क्या था, इट वॉज 2L डिवाइडेड बाय u1. कुछ कैंसिल होता है, 2 कैंसिल हो गया, फिर क्या होने वाला है, ये u ऊपर आने वाला है. सो व्हाट विल आई गेट f एज, आई विल गेट f एज mu1 स्क्वायर बाय l. ये हुआ तुम्हारा f1. सिमिलरली अगर मॉलिक्यूल 2 के लिए बोलूँगा मैं, सिमिलरली फॉर मॉलिक्यूल नंबर 2 मेरा फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, F2 हो जाएगा और MU2 हो जाएगा अपॉन L. एक चीज़ याद रखो, अभी भी मैं U के टर्म्स में ही लिखूँगा क्योंकि मैं अभी तक सोच रहा हूँ X डायरेक्शन के लिए, है ना. जस्ट लाइक दैट मेरा Fn क्या हो जाएगा, दैट वुड बी MUn स्क्वायर बाय L. समझ रहे हो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं हर एक मॉलिक्यूल का एक्स के डायरेक्शन में सोच रहा हूँ. अभी
अगर मैं रिजल्टेंट फोर्स देखूंगा एक्स के डायरेक्शन में, सो रिजल्टेंट फोर्स एफ एक्स है ना विल बी इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू प्लस 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 एफ एन। तो अगर मैं ये सारी चीज़ों को ऐड करता जाऊँ ना गाइस, तो एक चीज़ नोटिस करोगे, मुझे क्या मिलेगा, m बाय एल इसमें भी है, m बाय एल इसमें भी है, तो मैं वो m बाय एल को डायरेक्टली कॉमन ले सकता हूँ। सो आई गेट एफ एक्स इक्वल टू m बाय एल, अंदर क्या बचेगा, u1 स्क्वायर बचेगा, u2 स्क्वायर बचेगा, डैश 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 un स्क्वायर बचेगा। सो आई गेट u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस 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 un स्क्वायर, है कि नहीं। तो ये हुआ तुम्हारा फोर्स। हाँ अभी हैव यू हर्ड अबाउट प्रेशर, हाँ बिल्कुल। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, इजंट इट फोर्स पर यूनिट एरिया, तो मुझे याद आ गया, बट प्रेशर अलोंग एक्स डायरेक्शन वुड बी फोर्स पर यूनिट एरिया। तो एफ एक्स तो मेरे को ऑलरेडी पता है, वो लिखने वाला हूँ मैं अभी। सो एम बाय एल यू वन स्क्वायर प्लस यू टू स्क्वायर प्लस 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 यू एन स्क्वायर लिखा, अपॉन नीचे एरिया क्या है, एरिया दिया है एल स्क्वायर। सो मैं एरिया लिख रहा हूँ अभी एल स्क्वायर, क्या ये एल नीचे आएगा, तो मुझे एल इंटू एल स्क्वायर मिलेगा, एल क्यूब। सो आई विल गेट पी एक्स एज एम बाय एल क्यूब यू वन स्क्वायर प्लस यू टू स्क्वायर प्लस 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 यू एन स्क्वायर। बट गाइज ये तो तुम्हारा पी एक्स हुआ ना, अगर मुझे पी वाई निकालना है तो दैट इज़ प्रेशर अलॉन्ग वाई एक्सिस, मैं यूज़ करूँगा मैजिकल वर्ड सिमिलरली, ये सारी चीज़ों को सिंप्लीफाई कर देता है, तुम्हारा टाइम बचा देता है। तो ये पी एक्स के जगह पी वाई लिखूँगा, मास तो सेम रहेगा, लेंथ भी सेम रहेगा, खाली एक फ़र्क होगा, यहाँ पे यू के जगह होगा वी। सो विल गेट वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस 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 वी एन स्क्वायर, है ना। अभी देखो ये पी वाई हो गया, नेक्स्ट चीज़ क्या होगी, पी जेड होगी। सो मुझे मिलेगा एम बाय एल क्यूब, आगे क्या मिलेगा, डब्ल्यू वन स्क्वायर प्लस डब्ल्यू टू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू एन का स्क्वायर। सो पी एक्स पी वाई पी जेड मिल गए, तो सारे प्रेशर्स तुम लोग को अभी मिल गए हैं। बट डेरिवेशन यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, मैंने बोला है दिस इज़ वन ऑफ द लेंथीएस्ट डेरिवेशन इन द एंटायर टॉपिक। सो पी एक्स पी वाई पी जेड ये तीन चीज़ें मिल गई। हैव यू हर्ड अबाउट पास्कल्स लॉ फ्रॉम योर 11th स्टैंडर्ड, पास्कल्स लॉ बोलता है कि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम अलॉन्ग ऑल डायरेक्शन फॉर अ पॉइंट। तो अगर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन सेम बोला है तो दैट मीन्स आई कैन कंक्लूड वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, दैट पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी जेड इज इक्वल टू पी, पी कैन बी एनी क्वान्टिटी क्योंकि वो पी एक्स पी वाई पी जेड सेम है, तो मैं उसको पी बोल सकता हूँ। तो पी एक्स पी वाई पी जेड इज इक्वल टू पी अकॉर्डिंग टू विच लॉ रे, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। तो ये हुआ पास्कल्स लॉ, तुम्हारा रेडी है। अभी नेक्स्ट चीज़ देखो क्या होने वाला है, समझो अगर मैंने इन तीनों को ऐड किया पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड तो क्या हो गया, तो मैं ऐड करता हूँ, लेट्स ऐड देम। तो अगर जैसे मैं ऐड करता हूँ तो मुझे मिलता है पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड बराबर। तो अभी देखो पी एक्स क्या था, पी पी वाई क्या था, पी पी जेड क्या था, पी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज पी प्लस पी प्लस पी विच इज़ नथिंग बट थ्राइस पी। क्या मैं इस थ्री को नीचे लेके आ सकता हूँ, डिवाइड में जा सकता है, तो मुझे पी का फॉर्मूला क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा पी विल बी इक्वल टू वन बाई थ्री देन पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड। एंड देन यू रियलाइज सर अभी जस्ट आपने पी एक्स पी वाई पी जेड निकाला बराबर कि नहीं। तो ये है अपना पी एक्स, ये है अपना पी वाई, ये है अपना पी जेड। क्या मैं इन तीनों चीज़ों को वापस सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, हाँ बिल्कुल। ये एम बाय एल क्यूब ऐड करने के बाद भी कॉमन आएगा, तो क्या मुझे एट द एंड कुछ ऐसा मिलेगा, सो आई विल गेट समथिंग लाइक दिस, पी इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री एम बाय एल क्यूब कॉमन आएंगे बिग ब्रैकेट, पी एक्स में से कौन सा टर्म आएगा, यू का टर्म, सो आई विल गेट समथिंग लाइक दिस, दिस इज यू वन स्क्वायर प्लस यू टू स्क्वायर प्लस 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 यू एन स्क्वायर प्लस वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस 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 वी एन स्क्वायर।
अभी रही कौन से टर्म w की, तो वो भी लिख लेते हैं, तो उसको बुरा लग जाएगा, w1 square plus w2 square plus 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 wn square, हो गई चीज़ें कंप्लीट। अभी देखो एक चीज़ कर सकते हैं, मैं जो भी ना वन वाली चीज़ है ना उनको कंबाइन करके एक ब्रैकेट में डालूंगा, जैसे देखो u1 square है, v1 square है, w1 square, उनको एक ब्रैकेट में, फिर u2 स्क्वायर है, v2 स्क्वायर है, w2 स्क्वायर है, उनको एक ब्रैकेट में। अभी ये अलाउड क्यों है, क्योंकि सबके बीच में कौन सा साइन है, प्लस साइन है, तो प्लस साइन तो कुछ भी करने देता है तेरे को। तो ये p कैसे मिलेगा, वी विल गेट p समथिंग लाइक दिस, वी विल गेट 1/3 m बाय l क्यूब, हाँ, फिर ब्रैकेट में यहाँ पे हो जाएगा u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर। जैसे मैंने बोला था कि मैं 1 के टर्म्स को एक साथ लाऊंगा, फिर मैं क्या करूंगा 2 के टर्म्स को एक साथ लाऊंगा, सो u2 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर, बराबर ऐसे प्लस 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 करते जाऊंगा तो मुझे कहाँ तक मिलेगा, विल गेट wn स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर प्लस wn स्क्वायर, एंड दैट्स हाउ तुम्हारा बिग ब्रैकेट कंप्लीट हो जाता है। बट देन तुम लोग को याद है सर आपने इक्वेशन 1 में कुछ किया था राइट, ये याद है ये क्वांटिटीज, फिर से जाते हैं इक्वेशन 1 की तरफ। हाँ, तो u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर क्या था, c1 स्क्वायर था, फिर u2 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर क्या था, c2 स्क्वायर, एंड देन cn स्क्वायर। तो तुम लोग को ये सारी चीज़ें अभी इक्वेशन 1 से मिल गई है, तो यहाँ पे अभी मुझे उनको पुट करना पड़ेगा, सो आई विल गेट p इज इक्वल टू 1/3 m बाय, दिस इज l क्यूब राइट गाइस, l क्यूब मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम हुआ ना, तो आई कैन राइट इट एज वॉल्यूम, फिर यहाँ पे क्या होगा c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस 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 cn स्क्वायर मिला, ओके okay? और ये कहाँ से लिखा तुम लोगों ने, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अभी रही बात आ गया, यहाँ पे भी तुम लोग को लगता है कि हाँ हम लोग छूट गए, डेरिवेशन खत्म हो गया, तो गलत हो आप, अभी तक डेरिवेशन खत्म नहीं हुआ है। तो अभी देखो अभी क्या करने वाले हैं हम लोग, तुम लोग को CRMS का फॉर्मूला याद है, कुछ इस तरह से था CRMS का फॉर्मूला, बट CRMS वॉज अंडर रूट ऑफ C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस 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 CN स्क्वायर अपॉन N, ओके okay? ये फॉर्मूला रेडी था अपने पास। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं दोनों साइड स्क्वायर करने वाला हूँ, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या मिलेगा, सी स्क्वायर RMS, राइट हैंड साइड पे क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा क्वांटिटी का, आई विल गेट C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस 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 CN स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। क्या मैं इस n को वो साइड भेज सकता हूँ, बिल्कुल, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा n टाइम्स c स्क्वायर RMS वुड बी इक्वल टू c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस 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 cn स्क्वायर। अभी यही जो चीज़ है ना जो अभी तुम लोगों ने देखी, ये चीज़ n c स्क्वायर RMS आता है, इधर पुट करना है, तो मुझे p क्या मिलेगा, मुझे p मिलेगा p विल बी इक्वल टू 1/3 m by v n टाइम्स c स्क्वायर RMS। बट डू यू रिमेम्बर, हमने लेक्चर के मतलब लेक्चर नहीं ये डेरिवेशन के स्टार्टिंग में बोला था, अगर तुम लोग इंडिविजुअल मास को नंबर ऑफ मास से मल्टीप्लाई करोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, सो यू विल गेट टोटल मास, सो ये मॉडिफाई होके हो जाएगा 1/3 कैपिटल m/v c स्क्वायर RMS, बट व्हाट इज मास अपॉन वॉल्यूम रे, व्हाट इज मास अपॉन वॉल्यूम, इजंट इट डेंसिटी, सो यू विल गेट p इज इक्वल टू 1/3 रो c स्क्वायर RMS, 1/3 रो सी स्क्वायर RMS, एंड दिस इज हाउ आवर डेरिवेशन इज फाइनली ओवर। तो कितने पेजेस गए डेरिवेशन को, एक
दो तीन चार पेज में हो गया, और भी जल्दी ख़त्म हो गया बिकॉज मैंने शॉर्टकट किया है इस डेरिवेशन में। सर ये शॉर्टकट है तो बड़ा वाला कितना बड़ा, और एक पेज भर जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं। बट इट्स बेटर टू राइट इट लाइक दिस ना। और अगर चाहिए तो तुम लोग एग्ज़ाम में इसका और शॉर्ट भी कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू कैन एडजस्ट दोज थिंग्स। चलो अभी इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। मतलब हम लोग ने जो अभी डिराइव किया है उससे हम लोग यूज़ करने वाले हैं, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्वान्टिटीज़ डिराइव करने वाले हैं। तो पहली जो चीज़ हम लोग डिराइव करने वाले हैं वो है बॉयल्स लॉ। सो दिस इज़ आवर हेडिंग, डेरिवेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। लेट्स यूज बॉयल्स लॉ या फिर लेट्स फाइंड डेरिवेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट। अब भी जस्ट तुम लोगों ने फॉर्मूला सीखा, क्या फॉर्मूला सीखा? P इज इक्वल टू 1/3 रो सी स्क्वायर आर एम एस, वेर सी स्क्वायर सी आर एम एस इज नथिंग बट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। कैन यू राइट डेंसिटी एज मास बाय वॉल्यूम? तो मैंने उसको वही लिखा, मैंने लिखा मास बाय वॉल्यूम। क्या मैं इस वॉल्यूम को ए साइड लेके आ सकता हूँ? बिल्कुल, तो मैं लेके आ गया। सो मुझे क्या मिला? पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम सी स्क्वायर आर एम एस, बराबर। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 ऑन राइट हैंड साइड। सो लेट्स डू दैट, मतलब रीजन है उसका, जानबूझ के कर रहा हूँ। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 ऑन आर एच एस राइट हैंड साइड। तो मुझे क्या मिलेगा? पी वी इज इक्वल टू 2/3 ये किया मल्टीप्लाई इंटू 1/2 ये किया डिवाइड सी स्क्वायर ओचे एम रह गया एम सी स्क्वायर आर एम एस। देखो ये मैथमेटिकली अलाउड है क्योंकि अगर मैं 2 कैंसिल कर दूँ तो मुझे रिवर्ट बैक करके सेम चीज़ मिलेगी। सो अभी ये देखो, कैन यू सी हाफ एम सी स्क्वायर करके यहाँ पे क्वांटिटी आई। व्हाट इज़ हाफ एम वी स्क्वायर? इजंट इट काइनेटिक एनर्जी, है ना? तो एट द एंड आई विल गेट समथिंग लाइक दिस, पी वी इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। एंड एक चीज़ याद रखना, फॉर अ सेट वॉल्यूम ऑफ गैस फिर से बोल रहा हूँ, याद रखो क्या बोला मैंने, फॉर अ सेट वॉल्यूम ऑफ गैस काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, समझे? सो फॉर अ सेट वॉल्यूम ऑफ गैस काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। तो अभी मुझे एक बात बताओ कि ये राइट साइड वाला काइनेटिक एनर्जी कॉन्स्टेंट हुआ, 2 and 2/3 तो नंबर है तो वो भी क्या होता है? कॉन्स्टेंट। तो पूरा का पूरा राइट हैंड साइड ही तुम्हारा कॉन्स्टेंट हुआ ना। सो आई कैन राइट दैट पी वी इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स, नहीं 2/3 क्यों, कॉन्स्टेंट लिख देता हूँ। नाउ कैन आई डू वन थिंग, फिर से मैं वॉल्यूम को रिटर्न लेके जाता हूँ अपने ओरिजिनल घर पे। सो आई विल गेट पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। जब हम लोग को प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करना होता है तो हम कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, जब कॉन्स्टेंट रिमूव करना है तो क्या इंट्रोड्यूस करेंगे? प्रोपोर्शनैलिटी। सो दिस इज हाउ वी विल गेट दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मिला कि नहीं बॉयल्स लॉ? मिल गया, समझ रहे हो कैसे यूज़ करना है बॉयल्स लॉ को? कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। बट यहाँ पे ना एक और चीज़ मुझे तुम लोगों को इंटरेस्टिंग बताना है, व्हाई डोंट वी राइट इट एज अ नोट, गैस ओनली पजेस काइनेटिक एनर्जी, गैसेस ओनली पजेस काइनेटिक एनर्जी। तो मतलब उनके पास कौन सा एनर्जी होता है? काइनेटिक एनर्जी, उसको छोड़ के पोटेंशियल एनर्जी वगैरह कुछ नहीं होता। अभी तुम लोग के माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, देखो कैसे, कि सर समझो हमारे पास एक कंटेनर है, मतलब समझो हमारे पास कंटेनर है और वो कंटेनर में एक गैस मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा हाइट पे है, मतलब बहुत हाइट पे, हाँ चला एग्री किया बहुत हाइट पे,
तो उसके पास तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, क्योंकि हम लोग तो पढ़ते आ रहे हैं ना कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इजंट इट MgH। अरे भाई, बट तू ये भूल रहा है कि इधर मास मल्टीप्लाई होता है ना, और गैस मॉलिक्यूल का मास इतना छोटा होता है कि ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे हो जाता है, नेग्लिजिबल। फिर काइनेटिक एनर्जी को क्यों कंसिडर कर रहे हो, तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में आई एग्री कि मास है, बट ये भी तो है ना, वेलोसिटी भी है ना। तो गैस मॉलिक्यूल का इवन दो मास कम है, बट उनका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होता है। तो एज बहुत ज़्यादा वाले क्वांटिटी का भी स्क्वायर है, तो काइनेटिक एनर्जी सिग्निफिकेंट हो जाता है, उसको तुम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। सो गैसेस के पास कौन सा एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी। क्या सबको बॉयल्स लॉ समझा, क्यों ना हम लोग इसी तरह से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करें। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 2 से 3 बार बोर्ड में ऑलरेडी आ चुका है। तुम्हें प्रूव करना है प्रूव दैट CRMS, दैट इज जो भी अपना वेलोसिटी होता है, रूट मीन स्क्वायर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी। तो देखो इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं हम लोग, ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ज़्यादा सोचने वाली चीज़ नहीं है, आराम से 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। क्या करना है अपने को, वही जनरल इक्वेशन जिसके लिए हम लोगों ने इतना टाइम इन्वेस्ट किया, P=1/3 ρc² RMS, कर लिया इंट्रोड्यूस, 1/3 डेंसिटी इज नथिंग बट मास बाय वॉल्यूम, कर लिया वो भी पॉसिबल है कि नहीं। अभी नेक्स्ट चीज, इस V को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाता हूँ मैं, तो मुझे क्या मिलेगा, कुछ इस तरह से, मतलब एक्चुअली ना V को ही नहीं, 3 को भी साथ में लेके जाता हूँ। सो मुझे ये साइड मिलेगा थ्राइस PV इज इक्वल टू MC² RMS। अभी तुम लोग को ये पता होगा ना PV इज इक्वल टू NRT होता है, तो मैं PV के जगह लिखूँगा NRT विल बी इक्वल टू MC² RMS, बराबर। अभी नेक्स्ट चीज़ क्या करने वाला हूँ मैं, C² RMS को एक तरफ रखूँगा, बाकी सारी चीज़ों को लेफ्ट हैंड साइड लाऊँगा। सो आई गेट 3 NRT / M, एंड देन आई रियलाइज कि मैंने तुम लोगों को कुछ फॉर्मूला सिखाए थे, जिसमें से एक फॉर्मूला ऐसे था, स्मॉल n इज इक्वल टू mass / molar mass, बराबर कि नहीं। तो अगर यही चीज़ है, और मुझे क्या चाहिए, देखो मुझे चाहिए N/N, है ना, तो मैं उस फॉर्मेट में उसको लाता हूँ। सो आई विल गेट N/N वुड बी इक्वल टू 1/MO, तो मैं उसके जगह दैट इज N/M के जगह 1/MO पुट कर रहा हूँ, दैट इज मोलार मास। तो एट द एंड आई विल गेट समथिंग लाइक दिस, C² RMS वुड बी इक्वल टू 3 RT / MO। Then if I take square root, I'll get CRMS is equal to √3RT/MO. अभी ध्यान से देखो क्या क्या चीज़ें कॉन्स्टेंट है, R गैस कॉन्स्टेंट, T कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, मतलब अभी यहाँ पे कॉन्स्टेंट नहीं बोलेंगे हम लोग, वो तो वेरिंग चीज़ है, तो इसको तो हम लोग नहीं ले सकते, बट 3 कॉन्स्टेंट है, R कॉन्स्टेंट है, MO तो मोलार मास है ना गैस का। अगर मैंने ऑक्सीजन गैस लिया, फिर भी ऑक्सीजन का मोलार मास तो कॉन्स्टेंट ही रहता है। सो एट द एंड यू हैव कम टू द कंक्लूजन दैट CRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, क्योंकि ये बाकी की सारी चीज़ें मैंने क्या कर ली, कॉन्स्टेंट, एंड कॉन्स्टेंट को किस में कन्वर्ट कर लिया मैंने, प्रोपोर्शनलिटी के। सो यहाँ पे इसी तरह से तुम्हारी जो चीज़ तुमको प्रूव करनी थी वो प्रूव हो गई है। समझ गए कैसे प्रूफ करना है, इट्स नॉट दैट बिग, इतना टफ नहीं है। एक बार वो अपना गंदा डेरिवेशन समझ गया ना, तो बाकी सारी चीज़ें एकदम सिंप्लीफाइड लगती है। नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग प्रूफ करने वाले हैं, दैट थिंग इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी, मतलब प्रूफ नहीं करने वाले, बेसिकली हम लोग फॉर्मूलाज डेवलप करने वाले हैं। सो लेट्स डेवलप दोज फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। तो अभी काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस में अपना जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से डेवलप हो जाएगा।
सो वही चीज़ पी इज इक्वल टू 1/3 रो सी स्क्वायर आर एम एस है ना। अभी देखो क्या होने वाला है, रो के जगह यू कैन राइट इट एज मास बाय वॉल्यूम एंड यू विल गेट सी स्क्वायर आर एम एस। फिर ये 3V वो साइड जाएगा तो आई विल गेट समथिंग लाइक दिस, आई विल गेट 3 टाइम्स PV विल बी इक्वल टू MC स्क्वायर RMS। अभी रही बात, कैन आई डू वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, मल्टीप्लाइंग बाय हाफ ऑन बोथ साइड्स। सो मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या मिलेगा, 3/2 PV, राइट हैंड साइड पे क्या मिलेगा, हाफ MC स्क्वायर। देखो दोनों साइड मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया है, मिला फॉर्मूला, व्हाट इज हाफ MC स्क्वायर, इजंट इट काइनेटिक एनर्जी, मिल गया काइनेटिक एनर्जी। हाँ मैं ऑब्वियसली RMS लिखना भूल गया, बट ये क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी। सो एट द एंड यू गेट काइनेटिक एनर्जी एज 3/2 PV। गाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बट तुमको एक चीज़ याद रखनी है, ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना, ये इक्वेशन जो तुम लोगों ने बनाया, ये ट्रू होगा फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस ओनली। ये किसके लिए ट्रू होगा, मोनो एटॉमिक गैसेस। मोनो एटॉमिक गैसेस ऐसे गैसेस होते हैं जिसके मॉलिक्यूल सिंगल सिंगल्स रहते हैं, दीज आर फॉरएवर सिंगल गैस, जैसे कि हीलियम है, देन नियॉन है, आर्गन है, जो भी अपने गैसेस होते हैं ना, इनर्ट गैसेस, वो सारे गैसेस मोनो एटॉमिक होते हैं। अभी ये मोनो एटॉमिक का मतलब क्या हुआ कि उनके केस में यहाँ पे 3 आता है, तो अगर मुझे डायटॉमिक कोई गैस वगैरह दिया जाए जैसे कि O2 है, N2 है, तो मेरा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो मैं चेंजिंग फैक्टर्स के टर्म में वो फॉर्मूला अभी लिख रहा हूँ, बट ये क्या कंसेप्ट है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे या फिर इसी वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी वुड बी इक्वल टू F/2 PV। ये हुआ तुम्हारा जनरल फॉर्मूला, क्या हुआ ये तुम्हारा जनरल फॉर्मूला, लेट मी जस्ट ओके, सो दिस इज अवर जनरल फॉर्मूला। ये जनरल फॉर्मूला में ना जो F होता है ना, F, इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है वो आगे देखेंगे ही हम लोग, बट इस F को बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आई होप तुमको काइनेटिक एनर्जी अच्छी तरह से समझ गया होगा। अभी नेक्स्ट चीज़ है कि ऐसे ही जैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस बोला, वैसे तुम लोग को और चीज़ें भी एक्सप्लेन करने को बोल सकते हैं, जैसे फाइंड आउट व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब क्या होगा, जो भी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। तो मेरा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जस्ट अभी क्या आया था, वो आया था 3/2 PV। अगर इसी फॉर्मूला को मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूँ दोनों साइड, तो मुझे क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएगी जैसे वॉल्यूम वॉल्यूम, तो मेरा फाइनल फॉर्मूला कैसे क्रिएट हो जाएगा, आई विल गेट समथिंग लाइक दिस, आई विल गेट 3/2 P। इजंट इट ईजी, मतलब ऐसी कुछ बड़ी चीज़ नहीं है यार, चीज़ें अभी सिंपल होने वाली है। नेक्स्ट थिंग इज दैट काइनेटिक एनर्जी पर मोल, ये तुम लोग को क्रिएट करना है। पर मोल मतलब एन का वैल्यू क्या डालने वाले हो तुम लोग, एन का वैल्यू 1 डालने वाले हो। तो अभी कैसे करेंगे उसको, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे, लिखते काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी जो हम लोगों ने डेवलप किया 3/2 PV। याद रखना ये मोनो एटॉमिक के लिए है, अगर कोई अलग
एक्वा मॉलिक्यूल, तो जनरल फॉर्मूला क्या है, एफ बाई टू पी वी। ओके, तो ये पी वी जो है, क्या मैं उसको एनआरटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? सो आई विल गेट काइनेटिक एनर्जी एज 3/2 एन आर टी, एंड दिस इज हाउ यू गेट वन मोर फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बट अगर तुम लोग को पर मोल बोला गया है, बराबर, दैट मीन्स तुम काइनेटिक एनर्जी को एन से डिवाइड करोगे, सो काइनेटिक एनर्जी बाय एन वुड बी 3/2 आर टी, क्योंकि राइट हैंड साइड पे एन क्या होने वाला है, कैंसिल होने वाला है। जस्ट लाइक दैट तुम लोग बहुत सारी चीज़ें प्रूफ कर सकते हो, और थोड़े बहुत से लॉ होते हैं के टी जी में जो तुम लोग को आगे यूज करने आ सकते हैं, जैसे कि चार्ल्स लॉ होता है। तो चार्ल्स लॉ क्या बोलता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर प्रोवाइडेड दैट प्रेशर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ऐसे गेलुसेक्स लॉ होता है, गेलुसेक्स लॉ क्या बोलता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर प्रोवाइडेड दैट वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट। एक और लॉ होता है डाल्टन्स लॉ, और डाल्टन्स लॉ को हम लोग डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर भी बोलते हैं। वो क्या बोलता है पता है, समझो मेरे पास एक गैस है, एक कंटेनर है, गैस नहीं, उस कंटेनर में डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस है, जैसे कि ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियॉन है। ये सारे गैसेस जो टोटल प्रेशर लगाएंगे, दैट टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू एडिशन ऑफ पार्शियल प्रेशर जो ये गैसेस लगाएंगे। मतलब P1 हुआ ऑक्सीजन ने लगाया हुआ प्रेशर, P2 हुआ हीलियम ने लगाया हुआ प्रेशर, PN हुआ नाइट्रोजन ने लगाया हुआ प्रेशर, ऐसे ये सारे डिफरेंट प्रेशर हम लोग ऐड अप कर सकते हैं। सो व्हाट कैन यू से फ्रॉम दिस पर्टिकुलर P, दैट इज P इज टोटल प्रेशर। एंड व्हाट अबाउट दिस P1, P2, दीज आर नथिंग बट पार्शियल प्रेशर given by individual gases. Okay, let's end this session. In our next session we will be focusing on Maxwell distribution, degree of freedom, and then we will solve numericals.